अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान एंड हेयर आई एम टू टीच यू फिजिक्स क्लास फर्स्ट ईयर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 6 और 11 के टेस्ट को डिस्कस करेंगे। और ये जो टेस्ट है फर्स्ट ईयर फिजिक्स सेकेंड टाइम का पेपर है। इसकी जो पहले MCQs है, सिस्टोलिक प्रेशर ऑफ ह्यूमन बॉडी। सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है 120 से 125 राउंड अबाउट होता है। सी ऑप्शन आएगा 125 टॉर। सेकेंड MCQs, डेंसिटी ऑफ ब्लड इज, ब्लड की जो डेंसिटी होती है वो नियरली इक्वल टू वाटर होती है। ए ऑप्शन आएगा इक्वल टू वाटर। थर्ड MCQs है, फॉर एन आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बी ऑप्शन आएगा टेम्परेचर। फोर्थ MCQs, प्रोसेस इज एडियाबैटिक व्हेन। सी ऑप्शन आएगा डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि क्यू होता है डेल यू प्लस डब्ल्यू। एडियाबैटिक में क्यू क्या होता है, जीरो। यहां पे जब जीरो पोर्ट करेंगे तो ये आएगा डेल यू प्लस डब्ल्यू। तो ये आपके पास सी ऑप्शन है, डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। एडियाबैटिक है जिसमें नो हीट इंटर आर लीव द सिस्टम। फिफ्थ MCQs है, इन साइक्लिक प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी चेंजेस। साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगी। डी ऑप्शन जीरो। सिक्स MCQs, प्रोसेस इज आइसोथर्मल इफ PV is equal to constant, Q is equal to W, V inversely proportional pressure, all of these, D आएगा all of these, ये isothermal process के लिए all of these आएगा, D option। CP मैंने CV always, ये positive होता है, D option। In adiabatic process, adiabatic वो process होता है जिसमें Q zero, Q is zero, A option आएगा। नाइन्थ MCQs, इन साइक्लिक प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी चेंजेस, जीरो आएगा, डी ऑप्शन। टेंथ MCQs, अ पर्सन स्टैंडिंग नियर द ट्रैक ऑफ फास्ट मूविंग ट्रेन हैज टेंडेंसी फॉल टुवर्ड इट बिकॉज, आपने पढ़ा होगा वेयर स्पीड इज हाई प्रेशर विल बी लो। जब ट्रेन गुजर रही होती है, कोई गाड़ी गुजर रही होती है, उसके करीब स्पीड ऑफ एयर ज्यादा हो जाती है, वहां पे प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज इन प्रेशर। सी ऑप्शन आएगा डिक्रीज इन प्रेशर। 11 MCQs है, एडियाबैटिक प्रोसेसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है वो रैपिड होता है, बी ऑप्शन आएगा। 12 MCQs, इन आइसोथर्मल प्रोसेस वर्क डन इज इक्वल टू, बी ऑप्शन आएगा हीट सप्लाइड, बी ऑप्शन। 13 MCQs, टेम्परेचर इज इक्वल टू, बी ऑप्शन आएगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी। 14 MCQs, इफ द लेंथ ऑफ टैंक इज 12 मीटर हैविंग होल एट मिड, लिखना है आपने यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है जरा, एट मिड ऑफ लिक्विड कमिंग आउट ऑफ दैट होल। यहाँ पे आपने V इज इक्वल टू 2GH1 - H2 वाला फार्मूला पुट करना है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये राउंड अबाउट 10 मीटर पर सेकेंड आएगा, ए ऑप्शन आएगा। 15 MCQs, द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन प्रेशर विद इंक्रीज इन स्पीड ऑफ फ्लूइड इन हॉरिजेंटल पाइप इज नोन एज, ये होता है वेंचरी इफेक्ट, सी ऑप्शन आएगा। 16 MCQs है, वेलोसिटी इज टर्मिनल व्हेन इट इज, और टर्मिनल वेलोसिटी में मैक्सिमम भी होता है, यूनिफॉर्म भी होता है, वहां पर एक्सीलरेशन जीरो भी होता है, डी ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ दीज। 17 MCQs है, फॉर एन आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, बी ऑप्शन आएगा टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये था हमारा सेकेंड टाइम का पेपर जो हमने डिस्कस किया है, चैप्टर नंबर 6 और 11। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।